Hello everyone. How are you? I hope you are fine. Today I am going to teach you your science chapter and name good habits. Good habits means Achi Adate. Now let's start your chapter with some good habits. Your first good habit is wake up early in the मॉर्निंग हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रश टीथ डेली आपको डेली मतलब रोज़ अपने दांतों को साफ करना चाहिए किससे ब्रश से टेक बाथ एवरी डे रोज़ नहाना चाहिए गोइंग टू स्कूल इन टाइम रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए ऑलवेज स्पीक ट्रूथ हमेशा सच बोलना चाहिए रिस्पेक्टिंग एल्डर्स अपने से बड़ों की हमेशा बात माननी चाहिए उनकी इज्जत करना चाहिए कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स हमेशा दूसरों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए रीडिंग बुक्स बुक्स मतलब किताबों को पढ़ना चाहिए प्रेंग टू गॉड डेली रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए गोइंग अ टू बैट इन नाइट रात को जल्दी सोना चाहिए सो दिस इज योर फर्स्ट गुड हैबिट विच आई एक्सप्लेन यू लाइक दिस वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रश योर टीथ

अर्ली बैड इन नाइट आपको रात को जल्दी सोना चाहिए सो इट्स योर चैप्टर गुड हैबिट्स इन दिस चैप्टर आई एक्सप्लेन सम गुड हैबिट्स इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताई है जो सबको फॉलो करना चाहिए नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है जिनके अंदर जीवन होता है और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिनके अंदर जीवन नहीं होता है सो वी हैव टू स्टार्ट विथ लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग इज योर फर्स्ट टॉपिक लिविंग थिंग्स आर थिंग्स डेट आर अलाई लिविंग थिंग्स आपकी वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जीवन होता है सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर लाइक पीपल एनिमल्स, प्लांट्स पीपल मतलब हम लोग जो हम क्या है इंसान ह्यूमन बींग एनिमल्स मीन्स जानवर और प्लांट्स मतलब पौधे ये सब क्या है लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है जीवन होता है नेक्स्ट इज़ नीड नीड का मतलब ज़रूरत अब लिविंग थिंग्स हैं तो ज़िंदा चीज़ें हैं या ज़िंदा लोग हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या क्या है फूड वाटर एयर फूड मीन्स खाना वाटर मीन्स पानी और एयर मीन्स हवा तो लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना खाने के आप ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते हो बिना पानी के भी नहीं और हवा के बिना और सांस हवा का मतलब सांस ले रहे हो तो बिना सांस लिए तो आप एक सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते हो तो ये बेसिक नीड्स हैं किसकी लिविंग थिंग्स की ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो सिर्फ उन्हीं के अंदर होती हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं फर्स्ट क्या है दे आर बॉर्न वो पैदा होते हैं दे ग्रो वो बड़े होते हैं रिप्रोड्यूस मीन्स उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है एंड डाई अंत में वो क्या करते हैं मर जाते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स प्लांट्स क्या होते हैं पहले छोटे से होते हैं उसके बाद वो थोड़े से बड़े ग्रो करते हैं उसके बाद एक प्लांट से दूसरा प्लांट रिप्रोड्यूस होता है और लास्ट में प्लांट क्या होता है मर जाता है सूख जाता है एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग में जैसे पहले आप बॉर्न होते हो आप छोटे से बच्चे होते हो उसके बाद आप थोड़े से बड़े होते हो फिर आपकी भी फैमिली बनती है लास्ट में क्या हो जाते हो आप भी डाई हो जाते हो तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो इस दुनिया में आते हैं वो एक दिन गायब वो मर भी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर जीवन नहीं होता नॉन लिविंग थिंग्स आर थिंग्स डेट आर नॉट अ लाइव नॉन लिविंग थिंग्स आपकी वो चीज़ें होती हैं जो जिंदा नहीं होती हैं फॉर एग्जाम्पल टेबल चेयर कलर्स इट्स योर नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स कान्ट्रो मूव एंड डोंट नीड फूड जैसे लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है पानी की जरूरत होती है हवा की जरूरत होती है लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना खाने की ना पानी की और ना हवा की और ना ही वो ग्रो करते हैं ना ही वो बढ़ते हैं ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह हिलते हैं बिना किसी के हिलाए अगर आपके पास कोई पेंसिल है अगर आपको उसे उठाना है जब तक आप उसको उठाओगे नहीं वो अपनी जगह से मूव नहीं करती है क्लियर नॉन लिविंग थिंग्स के आपके टू पार्ट्स होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग फर्स्ट इज नेचुरल सेकेंड इज मैन मेड सो फर्स्ट इज योर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग सम नॉन लिविंग थिंग्स आर नेचुरल विच मीन्स डेट पीपुल डोंट मेक दैम कुछ आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसी होती है नेचुरल मीन्स उन्हें किसने बनाया है नेचर मतलब प्रकृति ने उन्हें इंसानों ने नहीं बनाया है लाइक एयर सन क्लाउड्स वाटर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स ये नॉन लिविंग तो हैं इनके अंदर जीवन नहीं है लेकिन ये कैसे हैं नेचुरल ये कहाँ से मिले हैं आपको नेचर से नेक्स्ट इज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स अदर नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड विच मीन्स डेट पीपल मेक दैम ये जो चीज़ें हैं मैन मेड वाली ये नॉन लिविंग तो हैं इनके अंदर जीवन नहीं है लेकिन इन्हें किसने बनाया है मैन ने मीन्स इंसानों ने लाइक सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल फैन हाउस पेंसिल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग okay so this is your chapter living and non living things in this chapter i explain what is living thing and what is non living thing clear and what are the basic needs characteristics of living things how many types of non living things there are two types of non living things like natural and man made natural means which we get from nature एंड मैन मेड मीन्स विच वी गेट फ्रॉम मैन जो इंसानों ने बनाई है जो मैन मेड है ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर वेरी क्लियरली टैन बाय